हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, रोजबेल ड्राइव की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी दो पुली है जिनके ऊपर, जिनके बीच में क्या लगी हुई, बेल्ट लगी हुई है। कौन सा ड्राइव सिस्टम है ये, क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम, जिसके अंदर ये ड्राइवर पुली है, ड्रिवन पुली है। इस सिस्टम का यूज़ कब करते हैं हम, जब ड्राइवर और ड्रिवन पुली दोनों की जो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, तो इसकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो क्रॉस बेल्ट के अंदर एक और चीज़ मैंने पहले बताई थी आप लोगों को कि लेप एंगल जो क्रॉस बेल्ट में ज़्यादा होता है इस कम्पेयर टू ओपन बेल्ट ड्राइव, क्योंकि यहाँ देखो दोनों तरफ कितना है, 2 अल्फा 2 अल्फा, 90 प्लस 2 अल्फा 90 प्लस 2 अल्फा। वहाँ पे क्या था, हमने ओपन बेल्ट ड्राइव के अंदर इस तरफ क्या था 90 प्लस 2 अल्फा और इस तरफ क्या था 90 माइनस 2 अल्फा। सो हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ L इक्वल टू क्या होएगा, यहाँ से चलते हैं आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी प्लस सी एफ प्लस आर्क एफ ई डी डी। ठीक है, आर्क एफ ई डी प्लस AD। ठीक है, अब आर्क ABC, जितना आर्क AB होगा उतना ही आर्क BC होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू टू ऑफ आर्क AB लिख सकते हैं हम, प्लस CF, जितना CF होगा उतना ही हमारा AD होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2CF, और CF किसके पैरेलल है, GD के, तो इसको GD भी लिख सकते हैं, जितनी GD होगी CF होगा उतना ही GD होगा, प्लस आर्क FED, FED देखो जितना आर्क एफ ई होगा उतना ही आर्क ई डी होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू ऑफ आर्क एफ ई। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा, टू आर्क ए बी प्लस सी एफ प्लस आर्क एफ ई। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या इक्वेशन नंबर वन, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं कि आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। पहले हम बात करते हैं किसकी, आर्क ए बी की। तो आर्क ए बी एंगल देखो कितना है, 90 प्लस अल्फा, तो कितना हो जाएगा ये, पाई बाई टू प्लस अल्फा इनटू रेडियस कितनी इसकी ड्राइवर की, आर वन, सेम एज इट इज़ आर्क एफ ई निकालते हम, तो क्या हो जाएगा ये भी देखो, एफ ई कितना है, 90 प्लस अल्फा, तो पाई बाई टू प्लस अल्फा इंटू रेडियस कितनी है, आर टू, ये आर टू, ये वैल्यू निकल गई इसकी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी एफ, जो हमारा सी एफ है, जो हमारा क्या है सी एफ है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है किसके, जी ओ टू के। कैसे इक्वल है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, जितना सी एफ होगा उतना क्या होगा हमारा, जी ओ टू होगा, तो हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ओ वन जी ओ टू। तो ये हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, क्या ट्रायंगल कंसीडर किया, ओ वन जी ओ टू, ये एंगल अल्फा, बेस परपेंडिकुलर, हाइपो। अब जितना जी ओ टू है उतना ही सी एफ है ना, तो हम जी ओ टू की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो जी ओ टू स्क्वायर इक्वल टू हाइपो ओ वन ओ टू स्क्वायर माइनस ओ वन जी स्क्वायर। अब देखो ओ वन, चलो इसको वो लिखते हैं, जी ओ टू स्क्वायर इक्वल टू ओ वन ओ टू कितना हमारा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ओ वन जी, क्या है ओ वन जी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओ वन जी को क्या लिख सकते हैं हम, ओ वन जी इज इक्वल टू ओ वन जी, ओ वन सी प्लस सी जी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओ वन सी प्लस सी जी, ये लिख सकते हैं। अब देखो ओ वन सी क्या है, इसकी रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, आर वन, और
जी सी क्या है, इसकी रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा आर टू। अगर आपको याद हो तो हमने ओपन बेल ड्राइव के अंदर यहाँ क्या आया था, आर वन माइनस आर टू, तो इनमें डिफरेंस क्या है, बस ये साइन का डिफरेंस है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओ वन जी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे और स्क्वायर हटा के रूट उधर कर देंगे, तो जी ओ टू। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचा, वन माइनस आर वन माइनस प्लस आर टू का अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो। चलो एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, यह क्या लगेगा, रूट लगेगा, ये रूट आ गया। तो हम जी ओ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा एक्स, और इस रूट को इसकी जगह क्या ले सकते हैं, वन अपॉन टू, वन माइनस आर वन प्लस आर टू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इस रूट हटेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, वन बाई टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन बाय टू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्या अप्लाई करेंगे हम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, वन माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, वो क्या एन एक्स माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल सो ऑन। तो ये हमारे काम का नहीं, तो हम यहीं तक करेंगे इसको। देखो ये जो चीज़ है ये हमारी क्या है, ये देखो ये क्या हमारा एक्स, और ये क्या हमारा एन, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, जी ओ टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एन एक्स वन अपॉन टू इंटू एक्स क्या है, आर वन प्लस आर टू अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, जी ओ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स कैंसिल। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बची, जी ओ टू इज इक्वल टू एक्स माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स। ये हमारी भी किसकी वैल्यू आ गई, जी ओ टू की, जी ओ टू किसके इक्वल है, सी एफ के। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, सी एफ की। अब हमारे को क्या निकालना है, अल्फा, अल्फा अगर हम देखना चाहें तो साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित पद प्रसाद अपन हर हर बोले पी अपन एच, पी कितना है परपेंडिकुलर, ओ वन जी अपॉन हाइपो कितनी है, ओ वन ओ टू, ओ वन ओ टू क्या है एक्स, और ओ वन जी क्या है हमारी, ओ वन जी ओ वन सी प्लस जी सी, ओ वन सी प्लस सी जी, ओ वन सी क्या है आर वन। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी अल्फा की, साइन अल्फा काफ़ी स्मॉल होता है, तो इसको क्या मान लेंगे अल्फा। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी फाइनल अल्फा की, वो क्या आएगी, अल्फा इक्वल टू आर वन प्लस आर टू अपॉन एक्स, सारी वैल्यू आ गई। इन सबको क्या पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर वन के अंदर, इसको रब कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पुट ऑल दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन। तो एल इक्वल टू टू आर्क ए बी, आर्क ए बी कितना, हम इक्वेशन नंबर वन के अंदर वैल्यू पुट करिए हमने आर्क ए बी, आर्क ए बी की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू प्लस एल्फा इंटू आर वन, पाई बाई टू प्लस एल्फा इंटू आर वन। सी एफ, सी एफ किसके इक्वल है, ओ टू जी के, ओ टू जी, जी ओ टू कितनी वैल्यू आई है, एक्स माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स, एक्स माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स,
आर्क एफ ई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू प्लस एल्फा इंटू आर टू, ये हमने पुट कर दी। नेक्स्ट एल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, एल्फा कितना फाइंड आउट किया था हमने, आर वन प्लस आर टू अपॉन एक्स, ठीक है पुट कर दिया हमने। इसको सोल्व करोगे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एल इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू एक्स। तो ये हमने क्या करी है, क्रॉस बेल ड्राइव की लेंथ फाइंड आउट करी है, इससे पहले हमने ओपन बेल ड्राइव की लेंथ फाइंड आउट करी थी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेंशन रेशो टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा की डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, थैंक यू, जय हिंद।